और बात करते हैं रीवा की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंचे। यहां सिंगरौली पहुंचने से पहले उनका हवाई जहाज रीवा चोराटा हवाई पट्टी पर उतरा, वहां से वो हेलीकॉप्टर से सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल के दौरे की जानकारी आमजन से गुप्त रखी गई थी, लेकिन आप पार्टी के कई प्रत्याशी हवाई पट्टी पर मिलने पहुंचे, पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। बताया जाता है कि कार्यकर्ता दूर से ही हाथ हिलाते रहे, जिससे उनके हाथ मायूसी लगी। अरविंद केजरीवाल के रीवा प्रत्याशियों से न मिलना और गुपचुप तरीके से सिंगरौली चले जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर आप पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सिंगरौली ही एक ऐसा जिला है जहां से महापौर प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में महज 1500 वोटों से हारी थी, और उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली महापौर के लिए फोकस किया है और सिंगरौली पहुंचे हैं। हालांकि प्रमोद शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे अन्य बड़े नेता रीवा पहुंचेंगे। आइए आपको सुनाते हैं प्रमोद शर्मा ने किस तरह से जिले के साथ साथ अन्य जिलों के प्रत्याशियों को ये बात कहकर निराश किया कि यहाँ बुरी तरह से पराजित हुए थे, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं रुके और सीधे सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24। आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय जो है अरविंद केजरीवाल जी है जो है यहाँ से सिंगरौली में उनका कार्यक्रम था, क्योंकि पास का जो है हवाई पट्टी जो है वो पहले उनको जो है बनारस उतारना था, बनारस से आने के लिए उनके पास वो सुविधा नहीं थी, जो सुविधा जो है बाद में बनाई गई, बताया गया हवाई पट्टी यहाँ पर है, उस बारे में चौराहटा उतर कर वो जो है अपने दूसरे उससे जो यहाँ से जो है वो सिंगरौली गए हैं, उनका आने का कारण यहाँ था। यहाँ पर उसके बाद कार्यक्रम हमारे जो है महापौर प्रत्याशी जो है उनसे मुलाकात उन्होंने की, यहाँ सतना के महापौर प्रत्याशी को बुलाकर उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि उनका समय शेड्यूल बहुत वो था और आप लोग को हमने इसीलिए कॉल उससे मैंने किया था कि आपको लेकर जब वो क्योंकि तुरंत उनको जाना था, और आज उनका आने का है। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती में हमारे जो सब जगह नगर निगम चुनाव में जो लोग उतरे हैं, पूरे जगह में मध्य प्रदेश में लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उसके लिए शुरुआत आगाज किया है। और हमारे यहाँ पर रीवा में भी आने वाले समय में डिप्टी सीएम और जो है संजय सिंह जी ऐसे कई लोग जो है यहाँ पर उतरेंगे और यहाँ पर जो है वो अपना कार्यक्रम उनका फिक्स है। यहाँ पर पहले तो मीडियाकर्मी से छिपाई भी गई बात कि वो रीवा नहीं उतरेंगे और डायरेक्ट वहाँ सिंगरौली पहुँचेंगे, क्या वजह थी? वजह ये थी कि यहाँ पर कि वो शिफ्ट करना था, उनका समय नहीं था। यदि आपको हम बुलाते, आपको बुलाया हमने इसीलिए नहीं, वरना बुलाते, वरना वो आके बैठना था, उड़ जाना था उनको, क्योंकि उनको ज़्यादा तुरंत कार्यक्रम वहाँ के लगे हुए थे, वो बिजी शेड्यूल था उनका, इस कारण से हम लोगों ने मीडियाकर्मी को भी नहीं बताया हम लोगों ने, लेकिन ये पेपर में सब जगह चल रहा था, लगातार फेसबुक हम डाल रहे थे धरती में आप उतरेंगे ये बताया था, पर उनकी बाइट के लिए अगर देने वाली बात तो आप लोग बुलाते, इस कारण से हम लोगों ने आपको नहीं बताया और आप यहां संदेशा छोड़ गए हैं। आप लोग से मुलाकात हुई, सीएम ने क्या कहा? सीएम ने यही कहा कि यहां पर जो है प्रत्याशियों से मुलाकात की, उन्होंने पर्चे लिया, दीपक भाई का पर्चे लिया, उनका श्रीवास्तविक पर्चे लिया, जो वहां से लड़े हैं कैंडिडेट उनको बुलाया था, यहां के जो है जिला अध्यक्ष से मुलाकात हुई, बाकी कार्यकर्ता से मुलाकात हुई और जो है उन्होंने ये बोला कैसी पोजीशन यहाँ पर है, हम लोगों ने बताया उनको, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने जो है अब कई लोगों को हमने यहाँ पर समय दे रखा, आने वाले समय में आपके यहाँ प्रोग्राम जो है लगभग जो है या 6 तारीख या 8 तारीख को यहाँ प्रोग्राम दीपक के लिए होने वाला है। रोड शो होगा यहाँ पर मनीष जी, संजय सिंह जी यहाँ पर आएंगे, यहाँ उतरेंगे और यहाँ पर केजरीवाल जी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने क्यों कार्यक्रम नहीं किया रीवा में? रीवा में कार्यक्रम उनका शेड्यूल फिक्स था पहले से, क्योंकि उनके पास कार्यक्रम है। जिस कैंडिडेट के लिए यहाँ उतरे हुए हैं, रानी अग्रवाल मध्य प्रदेश की, वो एक जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वो जो है पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में मैं स्वयं सिमरिया चुनाव लड़ा था, हम सब लोग बुरी तरह हारे, लेकिन रानी अग्रवाल जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने जो सिर्फ मात्र 1200 वोट से रामलल्लू बैस से चुनाव हारी और महापौर कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती में हम लोग को विंध्य एरिया से शुरुआत उन्होंने की है और सबसे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है आपका जो सिंगरौली उतरे हैं वो, और वो वहाँ पर अपना समय।